हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में और आइए आज जो कई भाइयों की कमेंट थी कि इस छींटे की जो है चाल कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कैसे सही करें। तो आज वो बताते हैं जो बहुत ज़्यादा चाल होती है तो उसको कैसे सही करना है। तो फ्रेंड्स बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हम करना क्या है, सबसे पहले अपना ये नाल खोल करके अपना बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे सारी चीज़ें, ये पिने नहीं, ये सब पत्ती तो मैंने ऑलरेडी पहले ही खोल रखी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये किनारियाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी काटनी है। वो आप चाहें इसे फाइल से घिस के काटें या छेनी द्वारा काटें, तो चलिए वो बताता हूँ मैं कैसे काट रहा हूँ उनको। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये छेनी से काट करके ये सारी किनारियाँ हमें निकाल लेनी है। और फ्रेंड इन्हें काटने के बाद छेनी से ये इकसार कर लें आप इस तरीके से। ये बढ़िया करके इनको साफ कर लें और यहाँ लगा के देख लें कहीं आपका ये नाल कहीं अटक तो नहीं रहा है इन खांचों पर, कहीं ये किनारी उठोगी तो नहीं है, बिल्कुल ही प्लेन कर दें। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले बताता हूँ आपको, आपको यहाँ करना है बिल्कुल कहाँ करना है ये एक बार और समझ लें। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी रिंग की और ये किनार जो है इसके बीच में, जिससे कि हमारी ये बॉडी जो होती है सुराग यहाँ इस बॉडी में बिल्कुल फेस आए, यहाँ पर बिल्कुल सेम आए सुराग। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक सुराग तो हमें यहाँ करना होता है पेंच को ऊपर, फ्रेंड्स हमें यहाँ करना है ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ये सुराग ये तो कंप्लीट हो गया और ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये दोनों सुराग मैंने कर लिए हैं, देख सकते हो आप इस तरीके से आपको सुराग करने हैं। और अब इनको हमें नाल को बढ़िया करके साफ करके दोबारा से इस पर पिने लगा लें अपनी। और ये नाल को अपना कस के फिर इसको हमें सेट करना है। अब ये नाल हमें यहीं कस लेना है इस पर। और एक चीज़ का और ध्यान रखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाल कसने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये किनारी जो हैं अपनी इस तरीके से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा इनको जिसमें आप पेंच कसेंगे उनको रेत लें, जिससे कि इनका थोड़ा गैप बढ़ जाए, पेंच इधर उधर टकराए नहीं, आसानी से ये हो जाए। अब इसको हमें दोबारा अब इसको हम कस लेंगे नाल को। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने नाल को कस लिया है, अब आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए यहाँ हमारी कितनी पिले हैं, यहाँ बिल्कुल भी पिले नहीं है,
देख सकते हो आप इसमें कतई बिल्कुल पिले नहीं है और यहाँ हमारी अच्छी खासी पिले है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके लिए हमें हल्का सा नाल को इस साइड को भगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइम हमारी ये सब में पिले बराबर है, बिल्कुल कंप्लीट पिले हैं। अब इसको हमें क्या करना है, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ हमें दोबारा बढ़िया करके पेच और कस लेने हैं सही से, और फिर इसको देखें कि हमारी चाल सही है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखें, आपकी सबसे कम पिले यहाँ थोड़ी कम होना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा इस साइड में, फिर उससे ज़्यादा इस साइड में, क्यों यहाँ से धागा पास यहीं से होता है सडल में से। अब ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, तो फिर अब इसको क्या करना है, जो हमने सुराख करें, तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यार से इस तरीके से ड्रिल करें, इसको बॉडी में आपको सुराख देने हैं। और ड्रिल जो है बहुत आराम से चलाएं इसको, नाल आपका इधर उधर नहीं भागे। लगभग एक सुराग इसमें बॉडी में आपका हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी चाल भी बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो हमने सुराग कर लिए हैं। अब ये सुराग क्यों किए हैं ये भी आपको बताते हैं, क्या मकसद है इन सुरागों का। तो देखिए फ्रेंड्स सुराग हमारे ये बॉडी पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसका, और फ्रेंड्स ये जो है हमारा, इसको नाल को हम खोल करके बाहर बिल्कुल क्लियर निकाल लेंगे, सब कुछ बाहर निकाल चुके हैं। अब ये जो है हमारी रिंग कील, जिसे हम कील बोलते हैं, इसको पिन के द्वारा, ये किनारियाँ तो अब हमारी काम नहीं करेंगी, अब ये कील जो है इसमें पार निकाल देंगे ताकि ये सुरागों पर अटैच रहे, यही नाल को रोके रहेगी। तो चलिए इसको आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करना है कील को। फ्रेंड्स कील को हम इस तरीके से काट लेंगे, और फिर कील काटने के बाद ऊपर से इसको बढ़िया करके इस तरीके से इसको नोक बेहतरीन करके इसकी बावरी ख़त्म कर लें। और तो बावरी ख़त्म करने के बाद हमें इस कील को इसमें फिट कर लेना है, इसको इसमें ठोक देना है, बिठाल देना है बढ़िया करके। तो दोस्तों देखिए मैंने ये कील ठोक ली है इसमें, अब ये थोड़ी बाहर है, इसको हम रेख लेंगे। फिलहाल हमें दूसरी कील और ठोकनी है इसमें, तो चलिए इसको घिस करके इसमें लगा लें और ठोंक लें अपनी पिन थोड़ी सी बाहर को। तो देखिए पिन हमारी ये बाहर आ चुकी है, अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स कील तो हमने काट ली है, चलिए अब इसको नाल को आपको दोबारा कस करके हम दिखाते हैं बढ़िया करके कि हमारी ये पिन कामयाब हुई या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है अब हमारी ये पिन पर ही अटकेगी रुकेगी, और देख सकते हो आप ये दोस्तों, ये अब हमारी ये पिनों पर ही ये नाल रुकेगा। और इसको हम दोबारा फिर कस के देखते हैं कि ये हमारी ये कंप्लीट ये हुई या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो देख सकते हो आप ये आप बिल्कुल फिट तरीके से। और
उम्मीद करता हूँ कि आप इसको, और हाँ दोस्तों ये जो हमारी ये कील है जो है इसको रेत लें आप फिलहाल, थोड़ी जल्दी में वीडियो बनाइए इसलिए अभी रेती नहीं है, बाकी तो आप इसको तो रेती लेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।